आप सब, मैं बहुत अच्छी हूँ, इसलिए लेके आ गई हूँ एक और नई वीडियो जो कि होने वाला है मीशो प्रोडक्ट्स का। यस, मैंने पहले भी कहा था कि मैं शेयर करूँगी उन प्रोडक्ट्स के साथ साथ और भी प्रोडक्ट्स ऐड हो चुके हैं, इसलिए काफ़ी सारा सामान होने वाला है जो आपके काम आ सकते हैं। नॉट ओनली फॉर गर्ल्स, ये बॉयज़ के लिए भी काफ़ी इसमें कुछ काम का है जो आपके काम आ सकता है। तो आपको मैं दिखाती हूँ सबसे पहले कितनी सारी चीज़ें हैं। ज़्यादा बातें आज नहीं हो पाएंगी, अनबॉक्स करते करते हम करते रहेंगे बातें, क्योंकि बहुत सारी है तो हो सकता है वीडियो काफ़ी नहीं तो काफ़ी तो नहीं थोड़ी लंबी हो सकती है। ये देखो, ये तो जी वो हो गई बॉक्सेस जो हमारे पास है, साथ ही में मेरे पास कुछ अनओपन, इनको ओपन करूँगी मैं आपके सामने। आप ही के लिए मैंने इनको ओपन नहीं किया था और मैं भी अपना फर्स्ट इम्प्रेशन आपके साथ शेयर करूँगी। मैं एक जो सामान का है वो ये देखो, कितने सारे प्रोडक्ट्स हैं, ये खोल दिए हैं क्योंकि इनकी ज़रूरत थी तो ये खुल गए हैं। कुछ इसमें से ऑफलाइन और थोड़ा सा अमेज़ॉन का भी है, न्यू ही है तो मैं सोचा क्यों ना आप लोगों को उसके साथ साथ दिखा दिया। बट इसमें मोस्ट 100 में से 80% सामान मीशो का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट हो चुकी है वीडियो। तो मैं आपको सबसे पहले ये वाले दिखा देती हूँ और कोई भी अगर डाउट हो आप कमेंट कर लेना। इस कोई भी अगर आपको प्रोडक्ट चाहिए होगा आप मैसेज कर देना, मैं कमेंट सेक्शन में उसका लिंक प्रोवाइड कर दूँगी और डिस्क्रिप्शन में भी जितना हो सके मैं दे दूँगी, इन केस कोई रह जाए तो आप बता सकते हो। तो सबसे पहला जो चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ, इनसाइड का प्रो कंसीलर। आपको मैं एक बात बता दूँ, ये कंसीलर मैंने 162 रुपीज़ में मंगाया है, बाहर पटाखे बज रहे हैं, और ये जो इसकी MRP है 230 रुपीज़ की इसकी MRP है। नायका पर्पल अमेज़ॉन कहीं से भी आप मंगा सकते हो, इसकी रेटिंग हर जगह पे बहुत अच्छी है। मैंने भी काफ़ी देख के ही मंगाया बिकॉज मैं इससे पहले ये कंसीलर और फाउंडेशन नहीं यूज़ करती थी, बहुत कम यूज़ कर कम क्या मैंने किया ही नहीं है बेसिकली। तो मैं फ़र्स्ट टाइम ही ऐसा एक पैलेट कह सकते हैं, करेक्शन और कलर पैलेट जो मैंने मंगवाया है जस्ट टू ट्राई। अगर आप लोग भी ऐसी गर्ल्स हैं जो ट्राई आउट करना चाहते हैं कुछ सस्ता बट अच्छा, तो यू कैन डेफिनेटली चेक दिस आउट बिकॉज ये अफोर्डेबल के साथ साथ बहुत अच्छा है। रिव्यू इसके हर सारे ही ऐप पे अच्छे मिलेंगे, साथ में रेट आपको दूसरे दूसरे ऐप पे अलग अलग मिल जाएगा, 200, 190, 180 समथिंग रेंज, बट मीशो से सस्ता आई डोंट थिंक कहीं मिलेगा। का ये कलर कंसीलर व्हील आप कह सकते हो, जिसमें आपको शेड्स मिल जाते हैं, कंसील करेक्ट कॉन्टोर मिल इसमें लिखा हुआ है, बट ये ज़्यादातर कंसीलर और करेक्शन के काम आएगा क्योंकि इसमें कॉन्टोर के लिए बहुत ही कम डार्क शेड है। मेरे को इसमें से कोई कॉन्टोर के लिए काम नहीं आया बिकॉज मेरा डस्की स्किन टोन है, तो उसके लिए थोड़ा और डार्क होता तो वो वर्क करता, बट ये कंसीलर के लिए बहुत अच्छा पर्पज़ है इसका, अच्छे से पर्पस आपका सॉल्व कर देगा ये कंसीलर के उससे। तो कुछ शेड मैं आपको दिखाती हूँ और इसका मैंने एक छोटा शॉर्ट्स भी बनाया है तो आप जाके देख सकते हो, या मैं आपको दिखा दूँगी, यहाँ दिखा देती हूँ मैं। 160 रुपीज़ में मंगाया है इसका, ये वाला वेरिएंट है प्रो कंसीलर, ये 162 का आया है। एक ही चीज़ मैंने 2-3 बार बोल दिया आई गेस, तो यस ये बहुत अच्छा है। नेक्स्ट जो चीज़ मैं आपको शायद शेयर करूँगी वो है एक अमेज़ॉन प्रोडक्ट जो कि है ये कैलाइलिस का, ये फेक लैशेस का सेट है, मिंक लैशेस, फॉक्स मिंक लैशेस, जो कि कुछ 3 डिफरेंट साइजेस में आता है। ये थोड़ी हैवी है, ये उससे लाइटी है, और ये मीडियम साइज़ का है ये वाला। साथ में आपको मिल जाता है एक फ्री ग्लू जो कि कैलाइलिस ब्रांड की ही है। ये पूरा सेट मुझे पड़ा था 250 रुपीज़ का, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है वो मैं दिखा देती हूँ अगेन मीशो से, वो है ये 5-in-1 फेशियल मसाजर होने वाला है। ये मुझे लगता है वीडियो लंबी हो सकती है क्योंकि मैं डिटेल के साथ साथ बताती जा रही हूँ, तो ये 2 पार्ट में आ सकता है। अभी जितना अनबॉक्स है और कुछ मैं आपके साथ अनबॉक्स कर दूँगी, और जो बॉक्सेज में बहुत ही मस्त चीज़ें हैं भाई साहब, मैंने खुद देखा है और मुझे लगता है वो बहुत अच्छी होने वाली हैं। तो ये है वो 5-in-1 मसाजर जो मैंने मीशो से मंगाया है, और इसका भी मैंने शॉर्ट्स में डाल दिया है। ये भी कुछ मुझे 150 और 160 के अंदर मिला था,
कुछ इस तरीके है। इसमें बैटरी लगाने से ये व्हील्स जो है वो मूव करती हैं, ऑन ऑफ और मीडियम हाई लो का बटन यहाँ दे रखा है। तो इसे ट्राई आउट करूँगी मैं अपनी मम्मी के ऊपर और एक बार खुद के ऊपर भी, तो इसका मैं वेट कर रही हूँ। ये अभी मैंने ट्राई आउट नहीं किया बट इट्स वर्किंग और ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे। आप उस शॉट में जाके देख सकते हो मैंने सभी जो इनको है अटैचमेंट्स को लगा के यूज़ करके चलता हुआ दिखाया, तो आप उसे देख सकते हो। से ही अमेजोन से 3-4 चीज़ें मंगाई थी, एक ही पार्सल में आया था, उसका बहुत ज़्यादा नहीं है। ये ब्लू हेवन का आईलाइनर जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, इसमें कुछ खास नहीं है दिखाने वाला क्योंकि सभी के पास ये होगा। तो यस ये मंगवाया था, ये मुझे कुछ ज़्यादा ऑफ में नहीं पड़ा, ये जस्ट 50 रुपीज़ का मिला और इसकी MRP है 65। ओके फिर भी 10% ऑफ मिल गया मुझे। और साथ में अमेजोन से मैंने मंगवाया था ये दो रोल ऑन, दो मंगवाए थे इसमें मैंने भाई के लिए, इसका भी मैंने शॉर्ट्स में अनबॉक्सिंग डाल रखा है तो आप उसको चेकआउट कर सकते हो। ये रेक्सोना का शावर फ्रेश वाला वेरियंट है, बहुत अच्छा है, लॉन्ग स्टे करता है जैसा कि ये क्लेम करता है और काफ़ी अच्छी फ्रेग्रेंस इसमें से। अमेजोन का प्रोडक्ट दिखा देती हूँ, वो है ये माइसेलर गार्नियर का वाटर, बहुत ही अच्छा वाटर है, मैंने ट्राई आउट किया था, एकदम एक ही स्वैप में आपका मेकअप हटा देता है। ये मुझे कुछ मिला था, इसकी MRP है 249 125 ml बट ये मुझे 170 के अंदर मिल गया था तो मैंने ले लिया इसको। और अभी आपको 3 चीज़ मैं ऑफलाइन वाली दिखा देती हूँ, उसके बाद सारी ही चीज़ों मीशो की है तो कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा कि इसमें क्या अमेजोन और इसका उसका। ये मैंने ऑफलाइन का दिखा देती हूँ मैं, ये मार्स का एक मेकअप रिमूवर स्पॉन्ज है, ऑफलाइन लिया था, अगर आपने वो ब्लॉग देखा है तो आपको समझ आ गया होगा कौन सा, अगर नहीं देखा तो आप उसे चेकआउट कर सकते हो। जब मैं अपना फाउंडेशन का शेड देखने गई थी ये वो वाला सामान है। और ये मार्स का फुल कवरेज फाउंडेशन है, बहुत अच्छा फाउंडेशन है, शॉर्ट्स में मैंने इसका डाल रखा है डेमो, जो आप देख सकते हो कि किस तरीके से इसने पूरा एक डार्क कलर का स्पॉट था वो हाइड कर दिया था और बहुत ही स्मूथ सा ये फाउंडेशन है, फुल हाई कवरेज है। फिलहाल ये कैमरे में कुछ वाइट लगता है बट ये ऑक्सीडाइज होता है वन शेड। मैंने इसको और इस फाउंडेशन को और इस कंसीलर पैलेट की मदद से एक बहुत, यहाँ आप देख पा रहे हो, बहुत सुंदर सा एक बेस बनाया था जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया था। और साथ ही में मैंने मंगाया था ये मार्स का कॉम्पैक्ट जो कि अगेन बहुत अच्छा वाला कॉम्पैक्ट है, इसका शेड है 0610 जो बहुत ही ज़्यादा एक ब्यूटीफुल वाला मैट शेड है। ऑफलाइन लिया था अपने लोकल वीकली मार्केट से, और नेल पेंट रिमूवर है 30 रुपीज़ का मिला था मुझे ये, कितना ml ऑफ प्रोडक्ट, 100 ml ऑफ प्रोडक्ट मुझे ये मिला था लोकल मार्केट से। मैंने वही आपको कहा कि जो मैंने न्यू खरीदी है मैं वो आपको साथ शो कर रही हूँ, तो ये भी न्यू ही था तो मैं दिखा दिया। तो ये जो है ये है रैमसन्स का एक UR लवली करके परफ्यूम, बहुत ही ज़्यादा मस्त वाला फ्रेग्रेंस है इस परफ्यूम का, इतने अफोर्डेबल प्रोडक्ट में एक काफ़ी अच्छा वाला परफ्यूम मिल जाता है आपको। 175 इसकी MRP है बट मुझे ये मिला है ऑब्वियसली सेल में तो जस्ट ₹110 में मुझे ये परफ्यूम मिला है। बहुत क्यूट सी बॉटल है इसकी, फैंसी सी बॉटल, और इसका फ्रेग्रेंस तो बहुत मस्त है, बहुत मस्त है ये परफ्यूम। रैमसन्स एक परफ्यूम का ब्रांड है, इसके और भी काफ़ी अफोर्डेबल और अच्छे वाले परफ्यूम्स आते हैं मैन एंड वुमेन दोनों के। चलिए अब बात करते हैं ये ग्लैम वेदा के हेयर फिनिशिंग स्टिक जो कि मैंने पहले भी आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है एक शॉर्ट वीडियो में, एंड इट्स अ मस्ट हैव फॉर बेबी हेयर्स जिनके हैं और वो अपने बालों को फुल सेट रखना चाहते हैं उनके लिए। अब बारी आ जाती है हमारे डब्बों को अनबॉक्स, इस बायोटेक के बॉक्स को अनबॉक्सिंग, क्योंकि मुझे पता है इसमें क्या है। इसमें है ये एक मॉइस्चराइजर जो कि डायरेक्ट फ्रॉम कंपनी आया है, जो मीशो में ब्रांड वाला ऑप्शन मॉल वाला ऑप्शन होता है ना उससे ये वाला प्रोडक्ट जो है आया, बेसिकली मॉइस्चराइजर दिख नहीं रहा है, ये 120 ml ऑफ प्रोडक्ट है और इसकी MRP है 220 बट मुझे ये मीशो से मिला है जस्ट 33 रुपीज़ का मिला है, इनवॉइस ही रहा, और 133 रुपीज़ में काफ़ी अच्छा है। मैंने जैसे कहा कि मैंने ये 27 में जो सेल लगी थी उससे मंगाया तो काफ़ी सारी चीज़ें ऑफ में मिल चुकी हैं मुझे। दूसरा बॉक्स अनबॉक्स करते हैं, मुझे लगता है वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है
तो दूसरा जो है वो इस पिच को बॉक्स को अनबॉक्स करते हैं। ये रहा वो छोटा सा हथियार जो कि इस बड़े से डब्बे में से निकला है। ये है फेशियल रेजर पैक ऑफ 4। आपको पता है कि मैं अपनी आईब्रोज खुद करती हूँ बिकॉज मैंने काफ़ी सारे ट्यूटोरियल्स भी शेयर करे हैं। मैंने फार्मेसी के भी यूज़ किया है, वो भी इस तरह के ही ब्लेड थे सारे, इसी सेम टू सेम है, बस उनका डिज़ाइन थोड़ा अलग है। तो लेकिन वो मुझे 150 के 3 मिले थे और वो भी सेल में मिला था 150 के 3, और ये भी मुझे मिला है 140 रुपीज़ में 4। तो ये काफ़ी अच्छी डील है। साथ में मुझे ये 5 पीस बॉडी टेप भी मिला है। इसकी MRP 299 दिखा रखी है यहाँ पे, बट ये मुझे मिला है 140 रुपीज़ में। काफ़ी अच्छी वाली डील है। जो कि करते हैं एक और बॉक्स को, जो कि होने वाला है ये बड़ा वाला बॉक्स। तो करते हैं इसे अनबॉक्स। तो गाइज ये है एक वॉच ऑर्गेनाइजर और वॉच बॉक्स, जो हम कह सकते हैं कुछ इस तरीके का है। ब्लैक कलर में बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। और इसे करते हैं हम ओपन, वॉच अनबॉक्स करते हैं। इसके अंदर वॉच दिख गया हमें। ओके गाइज मैं मजाक कर रही हूँ। ये वाला मैंने मीशो से बॉक्स मंगाया था, इसकी मैंने अनबॉक्सिंग पहले ही कर चुकी थी। साथ ही मैंने शो किया था अपने वॉच कलेक्शन, जो कि आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। तो ये कुछ बॉक्स मेरे को मिला था, और ये देखिए इसके कुशन, और मैंने अपने सारे ही घड़ियों को इसमें अरेंज भी करके रखा हुआ है ब्यूटीफुली। और ये बॉक्स मेरे काफ़ी काम आता है, इसकी क्वालिटी 10/10 है। इसका जो पूरा डिटेल आप मेरे उस वाली वीडियो में जाके देख सकते हो अच्छे से। और यहाँ पे भी मैंने वॉच रखे हुए हैं 2। इसके MRP मैं इसमें भी बता देती हूँ, 375 रुपीज़ में मेरे, नहीं 345 रुपीज़ में मुझे ये मिला है, 350 कह सकते हैं, ठीक है 350 रुपये मुझे मिला है। और बिल्कुल भी बुरा नहीं है, बिल्कुल भी बुरा नहीं। तो मुझे लगता है ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी हो, पता चुकी है। आप लोग अगर यहाँ तक पहुँच गए हो तो चैनल को लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इसका Part 2 लेके आऊँगी बहुत जल्दी, क्योंकि काफ़ी सारे पैकेज जो हैं अभी अनबॉक्स करने बाकी हैं, और इन्हीं पैकेज में बहुत मज़ेदार सामान रखा हुआ है। तो डू सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियो, सेकेंड पार्ट आएगा तो उसके लिए तो ज़रूर कर लेना। और तब तक के लिए राधे राधे, टेक केयर, बाय बाय।